हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कलराज मिश्र को राजस्थान का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। राजस्थान के राज्यपाल कल्याण सिंह का 5 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है और भाजपा के वरिष्ठ नेता रहे कलराज मिश्र 2014 से 2019 तक केंद्र में मंत्री रहे हैं। उन्हें केंद्र के चुनाव में सांसद का टिकट नहीं दिया गया था, तभी से कयास लगाए जा रहे थे कि उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। कलराज को गत जुलाई में ही हिमाचल का राज्यपाल बनाया गया था और कलराज 2010 में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। कलराज 1980 में भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष बनाए गए थे और लंबे समय तक उत्तर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष भी रहे हैं, लेकिन अब कलराज मिश्र राजस्थान में राज्यपाल की जिम्मेदारी संभालेंगे। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए हमारी संवाददाता प्रीत किरण फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। जी प्रीत किरण, ये बताएं कि कलराज मिश्र को राजस्थान का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है, क्या माहौल वहां पर है? जी बिल्कुल, बहुत से फेरबदल किए गए हैं, कई राज्यों के जो राज्यपाल हैं उनको बदला गया है। इसी पूरे प्रोसेस के अंदर राजस्थान के, क्योंकि राज्यपाल का 3 तारीख को कार्यकाल उनका खत्म हो रहा था, तो पहले ये केंद्र सरकार की तरफ से ये अनाउंस किया गया है कलराज मिश्र अब जो है उत्तराखंड की बजाय अब राजस्थान के राज्यपाल बनाए जाएंगे। वही केरल में भी इसी तरीके से राज्यपाल नियुक्त किया गया है आरिफ खान को। तो तमाम राज्यों में इस तरीके से नियुक्ति की गई है, कई फेरबदल किए गए हैं बेहद अहम है। और राजनीतिक दृष्टि से भी देखिए, कलराज मिश्र का जिस तरीके का अनुभव रहा है, काफी लंबा अनुभव है राजनीति का। ऐसे में अगर कलराज मिश्र राजस्थान का कार्यभार संभालते हैं तो उनके गहलोत सरकार से किस तरीके के समीकरण बैठेंगे, किस तरीके से राज्य में विकास के काम को आगे लेके जाएंगे, ये बेहद दिलचस्प होगा देखना। क्योंकि एक तरफ जो है भाजपा से उनके मोदी सरकार से जिस तरीके के प्रधानमंत्री मोदी से जिस तरीके के वो नजदीकी रिश्ते रहे हैं उनके, ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से वो किस तरीके से निभाएंगे ये बेहद दिलचस्प होगा। कांग्रेस को किस तरीके से सरकार का कामकाज करने में सहयोग करेंगे। आपको बता दें कि हिमाचल के राज्यपाल हैं कलराज मिश्र और अब उनको राजस्थान का राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया है।